नमस्कार, वेलकम टू इंसाइडर मथुरा चैनल। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बारे में। लखनऊ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फॉर्म इशू किया जा चुका है। लास्ट डेट आपका 15 अक्टूबर है। तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक कर बात करते हैं। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। वहाँ पे तीन लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट लिंक जो है हॉस्टल रूल एंड रेगुलेशन का है, उस वो आप जरूर डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। उसमें जो है आपके हॉस्टल के रिगार्डिंग जो है फ़ी बताया गया है और कैसे पेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करना है और सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करना है। जो है उसमें आपको ये भी बताया गया है कि आपके रूम सिंगल सीटर हैं या डबल सीटर हैं, तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। डबल सीटर ले रहे हैं या ट्रिपल सीटर ले रहे हैं या चार सीटर वाला ले रहे हैं, तो उसके लिए कितना पेमेंट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरी कंप्लीट डिटेल उसमें मिल जाएगी। 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया तो आपको होमी जहांगीर भाभा अगर मेल स्टूडेंट है तो, और फीमेल है तो डॉक्टर अंबेडकर हॉल आपको अलॉट होता है। और डॉक्टर अंबेडकर हॉल के लिए अर्चना मैम जो है प्रोवोस्ट हैं, डॉक्टर अर्चना सिंह लॉ फैकल्टी प्रोफेशन है और जो है डॉक्टर किशोरी लाल मेल के हॉस्टल के प्रोवोस्ट हैं। ये आपको मैं डिटेल बता दे रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे हम इंस्टॉलमेंट फ़ी। आप देख लोगे वहाँ से 36,000 टोटल ईयरली आता है, लेकिन इसको आपको दो इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में गर्ल्स को जो है 23,000 समथिंग पेड करना है और बॉयज़ को जो है 24,000 के समथिंग पेड करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है आफ्टर 5 मंथ बाद आपको जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट 12,000 और जो है इनको जो है 11,000 के समथिंग पेड करना रहेगा। ऐसा आपका पूरा आप डिटेल उस रेगुलेशन में पढ़ सकते हो, सभी हॉस्टल का डिटेल है उसमें। सेकेंड जो है लिंक जो है वो है फॉर्म का। फॉर्म आपको फिलअप करना है पूरी डिटेल, उसके बाद आपको जो है ये मेल करनी है। तो मेल करने से पहले आपको एक 50 रुपीज़ का उसी फॉर्म में मेंशन किया गया है कि जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के जो SBI का ब्रांच है वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे। उसका रिसीट इसके साथ इंक्लूड करना है। आप ऑनलाइन मोड में नेफ्ट किसी भी तरह से पेड करके उसका रिसीट जो है प्रिंटआउट लेके या फिर जो है उसका स्क्रीनशॉट इसके साथ अटैच कर देना अपना। उसको अटैच करने के बाद आपको जो है दूसरा ये काम करना, अपनी रैंक लिस्ट अटैच कर दीजिएगा। जो आपका रैंक दिया है वो ऑल ओवर मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जिस रैंक पे आपका नाम मेंशन किया गया है वो उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके उसको अटैच कर दीजिएगा उसके साथ, रैंक लिस्ट के साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अपनी फी रिसीट जो कन्फर्मेशन पेज के साथ जारी हुई थी वो अटैच कर दीजिएगा और जो है अलॉटमेंट लिस्ट वो अटैच कर दीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आपको मेल करने हैं। मेल का भी डिटेल्स जो है थर्ड लिस्ट में मैंने दे दिया है कि आपको जो है किस पे, अगर आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस कोर्स के लिए हॉस्टल चाहते हो, उस कोर्स का जो है सारा जो है आगे मेल मेंशन किया गया है। सारा मेंशन किया गया है। जो थर्ड लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी वहाँ पे कि कैसे आपको करना है, मेल किसको करना है। तो मेल में जो है अगर आप जो है फीमेल कैंडिडेट हो अगर 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए, तो फिर आपको जो है अर्चना मैम को मेल करना पड़ेगा उनके मेल आईडी पे। मेल आईडी मेंशन किया गया है वहाँ पे। और जो है अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो डॉक्टर किशोरी लाल सर को आपको मेल करना है होमी जहांगीर भाभा के लिए। तो ये मेल आईडी आपका जो है फॉर्म में दिया गया है, थर्ड जो वाला लिंक है उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा उसमें सारा रेगुलेशन लिख। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों डाउनलोड करके एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट आप ये भूलिएगा मत, 15 अक्टूबर तक मस्ट जो है अपना मेल कर दीजिएगा अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो। रैंक की परवाह मत कीजिए, किस रैंक तक अलॉटमेंट होगा आप अपना जो काम है वो कर लीजिएगा। मे भी जो है कुछ लड़के मान लीजिए जो यहाँ लखनऊ के हैं उनको अलॉटमेंट नहीं होता है, तो फिर आपका हो सकता है रैंक ज़्यादा भी हो तब भी अलॉटमेंट हो जाए। तो इसलिए अपना जो है अगर आपको हॉस्टल रिक्वायरमेंट मस्ट लग रहा है कि मुझे चाहिए तो आप ये मेल जरूर कर दीजिएगा। फॉर्म तीनों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको। रूल एंड रेगुलेशन का भी लिंक दे दिया है, आपका हॉस्टल फॉर्म का भी लिंक दे दिया है और जो है आपका जो है किसको मेल करना है वो सारा डिटेल उसमें दिया गया है। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हो वहाँ पर भी मैंने दे दिया है। ये आप डाउनलोड करोगे तो उसमें पूरा आप डिटेल देख सकते हो, तो भूलिएगा मत। और फी इंस्टॉलमेंट कैसे पेमेंट करनी है, जब अलॉटमेंट आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही जारी किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, उसके बाद जो है 20 अक्टूबर तक आपकी अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगी, कंफर्म श्योर है। उसके बाद आपका जो है अलॉटमेंट के बाद आपको जो है वही फी आपको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना रहता है। तो इसके रिगार्डिंग आप जो है अपना ये कंप्लीट प्रोसीजर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा 15 अक्टूबर तक और मेल जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।